देखिए, जब ना सिंगनी बगल में खड़ी हो ना ताकत अपने आप आ जाती है। जब हमको पता चला कि हमारे जो दूसरे पार्टी के प्रत्याशी जब हमको छोड़ के गए, तभी पता चल गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये मिलने वाली है जगह, उसको भी खड़ा कराएंगे। जीत सुनिश्चित है, हमारी एमपी बन चुकी है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से INDIA गठबंधन की प्रत्याशी जोभा मांझी नामांकन के लिए DC ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा। इस मौके पर CM चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बीरुआ, झामुमो के जिला महासचिव सोनाराम देवगम मौजूद रहे। नामांकन से पूर्व चाईबासा स्थित खूटी कटी मैदान पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। सिंहभूम के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से JMM प्रत्याशी जोभा मांझी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। उनका सीधा मुकाबला BJP की गीता कोड़ा से होगा। देखिए, जब ना सिंगनी बगल में खड़ी हो ना ताकत अपने आप आ जाती है। तो मेरे साथ सिंह हैं, ढेर सारे सिंह हैं, सिंह भूमि पे हैं, तो ताकत अपने आप से ऊर्जावान। यहाँ का एक एक पत्ता, धरती की माटी इतनी ताकतवर है कि बहुत मन प्रफुल्लित हो गया है। देखिए, महिलाओं का प्यार हमें मिल चुका है। जब हमको पता चला कि हमारे जो दूसरे पार्टी के प्रत्याशी जब हमको छोड़ के गए, तभी पता चल गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये मिलने वाली है जगह, और यहाँ से हम जिसको भी खड़ा कराएंगे। जीत सुनिश्चित है, हमारी MP बन चुकी। ये सिंहभूम की धरती है। सिंहभूम का अर्थ क्या होता है? सिंह, शेर के समान। तो यहाँ की जनता शेर के समान है, जो किसी के सामने कभी झुकता नहीं है, ना पहले कभी झुका ना आज झुकेगा। और आप लोगों ने यह दिखा दिया है कि आपकी जो ताकत है, आपकी ताकत ना पहले अंग्रेजों के सामने कभी झुकी है, ना आज की ताकत ताकतों के सामने झुकेगी, क्योंकि आपका खून है। यहाँ के वीरों का खून बचा है, यहाँ के आंदोलनकारियों का खून बचा है, जिन्होंने पहले यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ा। आज इस लोकसभा चुनाव में आप लोगों का केंद्र सरकार बैठे हुए जितने लोग हैं, जो मूलवासी आदिवासी अल्पसंख्यक पिछड़े वंचितों के लिए काम नहीं करना चाहते, उन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करना है। और इसका काम जिम्मेदारी आप सभी को करना है। एक एक जन जो यहाँ बैठा हुआ है, आज हमारी आदिवासी पहचान को बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। आपने देखा है कि मणिपुर में जिस तरीके की घटना हुई, उस घटना का फिर करते हुए भी पूरा रोम रोम खतरा जाता है। आदिवासियों की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आदिवासियों की जब सूचक टूटी जा रही थी, पूरा नरसंहार हो रहा था, पूरा मणिपुर कर रहा था, तो हमारे BJP के बड़े बड़े नेता वहाँ पे पैर रखने का काम तक नहीं किए, एक संदेश देने का काम तक नहीं किए। ये है इन लोगों का आदिवासी श्रेय। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि बोलने वाले झूलने वाले यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कौन आपके झारखंड के लिए काम कर रहा था, कौन आपके झारखंड के लिए काम कर रहा है, इसको आपको समझना होगा। यहाँ पर मैं झारखंड में हम लोगों ने आधार बनते ही, सरकार बनते ही हेमंत जी ने वो भाषा का प्रस्ताव बढ़ाया कि हमारी आठवीं अनुसूची में वो भाषा को भी आना चाहिए, लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा कि अभी इसके लिए इतना बहुत जरूरी काम नहीं है, इसको बाद में सोचा जाएगा। बाद में कब सोचा जाएगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कब सोचा जाएगा? तो ऐसे लोग जो हो भाषा की नकारने का काम करते हैं, सरना आदिवासी धर्म कोड को नकारने का काम करते हैं, छात्रवृत्ति को बंद करने का काम करते हैं, आरक्षण को खत्म करने का काम करते हैं, क्या आप मुझे बताइए ऐसे लोगों को आप लोग सुनेंगे? आप लोग सब साथ में मुझे बताइए कि क्या आप लोग ऐसे लोगों को सुनेंगे? आप लोगों की आवाज यहाँ जब झारखंड में बंद कर दी जा रही है, तो वहाँ पर मैं संसद में ऐसे लोगों को सुनेंगे जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोगों का बात करने के लिए डरते हैं, जिनको बात काफी खुल के करने की आजादी नहीं है, और आज जब हम लड़ते
वो भी एक लोकप्रिय नेता है और लोकप्रिय होने के साथ साथ वो भी जन कल्याण का कार्य कर रहे थे। तो पूरे देश में ये पहली बार हुआ है कि बैठे मनोनीत मुख्यमंत्रियों को, दो दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का प्रयास किया है। अगर आपकी आवाज अपने हक के लिए, अपने अधिकार को लड़ने के लिए, अपने उसको छीनने के लिए, ताकत लेने के लिए अगर आप उठाइएगा, तो केंद्र में बैठे हुए जितने लोग हैं आपको कुचलने का प्रयास करेंगे, आपको दबाने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आदिवासियों को इन लोगों ने कीड़ा समझ के रखा हुआ है। उनको ये लगता है कि इनकी आवाज नहीं है, इनमें दम नहीं है। आप लोगों को ये तय करना है कि आदिवासी की आवाज को यहाँ से आपने पहले भी देखा था, लेकिन क्या करें, उन्होंने अपना जगह बदल दिया। और हमारे यहाँ साथ साथ आज यहाँ पे हमारी श्रीमती जोबा मांझी जी है, आप ही लोग के बीच में जो उमसर के आई है, आप ही लोगों की यहाँ से उमसर के आई है, जिनका कार्यकाल इतना बेहतरीन रहा है। आपने हमेशा उनको प्यार दिया है, सम्मान दिया है। और इंडिया गठबंधन में आज हमारे प्रत्याशी के रूप में ये खड़ी हुई है, तो आपको इनको मजबूती देनी है। इनको मजबूती दीजिएगा तो आप हेमंत सोरेन जी को जिताइएगा, इनको मजबूती दीजिएगा तो जिशु गुरु शिव सोरेन जी को मजबूती दीजिएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।